और हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह बांदा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, हमने सुना मुख्तार का बेटा क्या क्या आरोप लगा रहा है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम के लिए मुख्तार के शव को कब ले जाया जाएगा, किस तरह से ये पूरा पोस्टमार्टम होगा, परिवार के कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिए जोशना, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट बता दूं। अपडेट ये है कि इस समय बांदा मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी हाउस पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, बीएसएफ के जो जवान हैं, साथ ही साथ पुलिस के जो जवान हैं, उन सब की यहां पर तैनाती कर दी गई है। मेरे ठीक पीछे पोस्टमार्टम हाउस है और पोस्टमार्टम हाउस में जो पूरा समय तय किया गया है उसके मुताबिक 7:30 बजे के करीब उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा, वो यहाँ पहुँच जाएगा। और इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं, अधिकारियों को लगाया गया है कि निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही 7:30 बजे के करीब उमर अंसारी को यहां बुलाया गया है। उमर अंसारी यहां पर पहुंचेगा और 8 बजे से, ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 बजे से पंचनामा की जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी जाएगी, जो कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होती है, पूरी कार्रवाई उसमें की जाती है और लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा पंचनामा भरने में। और उसके बाद 10 बजे बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा डॉक्टर्स की मौजूदगी में, डॉक्टर्स के पैनल करेंगे पोस्टमार्टम को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस की जोशना वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी तरीके के विवाद से बचा जा सके और जो भी पोस्टमार्टम ने चीजें निकल करके सामने आए, जो भी उसकी फाइंडिंग्स हो, कोई उस पर आरोप ना लगा सके। इसको लेकर के प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि 3 डॉक्टर्स की जो टीम है वो लखनऊ से आएगी और 2 डॉक्टर्स की टीम बांदा से मौजूद है, यानी कि 5 डॉक्टर्स का ये पूरा पैनल है जो कि पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम देगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कराई जाएगी ताकि भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ती है पोस्टमार्टम को लेकर, कभी कोई विवाद होता है तो कम से कम इस रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल में किया जा सकता है। तो अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चल सकता है, क्योंकि उमर अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा है और वही परिजन के तौर पर बांदा में मौजूद है। हालांकि वह मेडिकल कॉलेज नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 7:30 बजे के करीब वो मॉर्चरी हाउस पहुंच जाएगा और 12 बजे के करीब माफिया मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी के साथ उमर अंसारी, पूरी तमाम जो कन्वॉय होगा पुलिस फोर्स का, वो यहां से निकलेंगे और बांदा होते हुए, कौशाम्बी होते हुए और प्रयागराज का जो बाईपास है वहां होते हुए, और ये जो पूरा कन्वॉय है वो गाजीपुर पहुंचेगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम को 6 से 7 बज सकते हैं माफिया मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर पहुंचने में। लेकिन फिलहाल जो चौकस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको काफी चाक चौबंद किया गया है, न सिर्फ बांदा में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में। विशाल, अगर आपके लिए संभव हो तो किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, खासकर बांदा मेडिकल अस्पताल के बाहर, वो दिखाइए। और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो तमाम गंभीर आरोप उमर अंसारी की तरफ से पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। उनका कहना है कि उनके पिता को स्लो पॉइजन दिया गया। उनका यह भी कहना है, खासकर तारीख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 19 मार्च को भी उनके पिता को पॉइजन दिया गया, उनकी तबियत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया और 2-3 दिन में ही वापस डिस्चार्ज कर दिया गया, वापस जेल भेज दिया गया, ये कहकर कि सब कुछ ठीक है, फिट एंड फाइन है। जोशना, सबसे पहले मैं आपको जो सुरक्षा व्यवस्था है बांदा मेडिकल कॉलेज में उसको दिखा देता हूँ। बांदा मेडिकल कॉलेज का ये मॉर्चरी परिसर है और मॉर्चरी परिसर के बाहर आप देखिए कि जो बैरिकेड्स होते हैं उन बैरिकेड्स को यहाँ पर लगा दिया गया है। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स के तमाम जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। बांदा के ज़्यादातर थानों की जो पुलिस फोर्स है उसको सुरक्षा इंतजामों की ड्यूटी के लिए यहाँ पर लगा दिया गया है और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे। ये तो बात हो गई सुरक्षा की। रही बात आपने उमर अंसारी के आरोप की जोशना, तो उमर अंसारी जब 3 दिन पहले भी माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए आया था, उस दौरान भी अफजाल अंसारी ने और उमर अंसारी ने यह आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जेल परिसर में 19 मार्च की शाम को खाने में जहर दिया गया था। और इस बात का जिक्र उमर अंसारी ने कहा था कि उनसे मुख्तार अंसारी ने ही खुद किया था, लिहाजा इस पूरे मामले की जो जांच है वो जांच की गई। इसके अलावा जेल परिसर के 3 कर्मचारियों को, जो कि सुपरिंटेंडेंट लेवल के हैं, उनको सस्पेंड भी किया गया था, क्योंकि जेल अथॉरिटीज़ का मानना था कि अगर कोई आरोप आपके ऊपर लगता है और अगर आप उसकी जाँच करने के लिए जाते हो तो निश्चित तौर पर जाँच सही नहीं हो सकती है। यही वजह है कि जाँच सही हो, इसको लेकर के वहाँ जो प्रारंभिक अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया था और जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी
उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि खाने में कोई भी जहर नहीं दिया गया था, लेकिन क्योंकि जो जेल मैनुअल होता है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे सेंसिटिव कैदी को जो कि तन्हाई बैरक में रहता है उसको जो भी खाना दिया जाता है पहले जेल के कर्मचारियों को उस खाने को भी दिया जाता है, लिहाजा किसी और की तबीयत उस दिन नहीं बिगड़ी है। लेकिन जो मुख्तार अंसारी का परिवार है, चाहे उमर अंसारी की बात कर लें, अफजाल अंसारी की बात कर लें, ये परिवार के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने उनको इस बात का जिक्र किया था, इस बात की शिकायत की थी कि स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर मुख्तार अंसारी को खाने के जरिए दिया जा रहा है। और कल भी उमर अंसारी ने यही कहा कि जिस तरीके से मेरे पिता को आईसीयू में पहले एडमिट किया जाता है इसी मेडिकल कॉलेज में और उसके बाद उनको फिट एंड फाइन बता दिया जाता है 14 से 15 घंटे बाद ही और उनको तन्हाई बैरक में भेज दिया जाता है। ये कुल मिलाकर के जो कार्यप्रणाली है इसको लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और है जो मैं बताना चाहूंगा कि अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा है, सुभाषपा का विधायक है, कासगंज जेल में बंद है, उसके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुख्तार अंसारी का परिवार है वो जाएगा उनकी पेरोल के लिए ताकि अब्बास अंसारी को पेरोल मिल सके और वो मुख्तार अंसारी के जो सुपुर्द खाक का कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा ले सके। तो इंतजार करना होगा दिन के बढ़ने का, उसके बाद जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे उसना हम इंडिया टीवी के दर्शकों को फौरन उस अपडेट से रूबरू कराते जाएंगे। बिल्कुल विशाल, बने रहिएगा इस खबर पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। वही माफिया मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का सियासी पारा हाई है, बयानबाजी का क्योंकि दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्तार मौत को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। यूपी की आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुख्तार की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी माफिया मुख्तार की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। मिट्टी में मिला माफिया, सियासत को क्या मिला? मुख्तार की मौत पर विपक्ष के सवाल, शुरू हुआ सियासी बवाल। विपक्ष के दावों में कितना दम, कैसे हुई माफिया की मौत? माफिया मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बांदा जेल में हार्ट अटैक और मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत के बीच सियासत ने एंट्री ले ली है। माफिया की मौत के लिए साजिश का आरोप लगाया जा रहा है, विपक्ष जेल प्रशासन पर हमलावर है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, और इसके लिए माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के उस बयान को आधार बनाया जा रहा है जो उन्होंने कुछ दिन पहले जेल में मुख्तार से मिलने के बाद दिया था। मुलाकात का मौका मिला, कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बनाई बताई तो उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद। गुरुवार रात मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया, लेकिन उससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी, तब 14 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। तब मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल ने आरोप लगाया था कि उनके भाई को धीमा जहर देकर मारने की साजिश की जा रही है। अब मुख्तार की मौत के बाद विपक्ष सियासी रोटी सेकने में लगा है, तो वोट बैंक की सियासत ने भी अंगड़ाई ले ली है।
कांग्रेस मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठा रही है तो समाजवादी पार्टी ने मुख्तार की मौत का सच जानने के लिए जांच की मांग की। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हुआ है, हम सब परिवार का जो उनका दुख है उनके साथ खड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।